Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, आज हम सीखेंगे एक्सेस में दो टेबल्स को रिलेट कराना. एक्सेल में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसके थ्रू हम RDBMS यानी कि दो टेबल को रिलेट कैसे करा सकते हैं वो हम सीखेंगे. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले हमें ऑन करना है MS Access. तो MS Access यहाँ मौजूद है, इसको हम ओपन कर लेते हैं. मेरे पास 2007 वर्जन है, आपके पास जो भी हो उसको यूज कर सकते हैं. सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस चूज करना है और उसको क्रिएट कर लीजिए. किसी भी नाम से आप चाहें तो वहाँ नाम भी दे सकते हैं. और यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है. डिज़ाइन व्यू टेबल वन लिखा हुआ है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे देते हैं एम्प्लॉई. ठीक है, ये एम्प्लॉई दे दिया हमने, इंटरप्रेस किया. अब यहाँ एम्प्लॉई की डिटेल डालेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ डाल देता हूँ मैं एम्प्लॉई आईडी. ठीक है, एम्प्लॉई आईडी. ठीक है, और ये ऑटो नंबर जो है डेटा टाइप इसको चेंज कर देंगे हम. ये डेटा टाइप क्या होता है, जैसे ये टेक्स्ट दिया हुआ है तो टेक्स्ट में हम कुछ लिख सकते हैं. ठीक है, नंबर भी लिख सकते हैं और जैसे इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, नंबर में सिर्फ नंबर दे सकते हैं. इसी तरह से मेमो एक डेटा टाइप होता है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, तो सारे डेटा टाइप हैं, ओएलई ऑब्जेक्ट है. तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ एम्प्लॉई आईडी में हम नंबर कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर हम देंगे एम्प्लॉई का नेम. तो यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉई नेम, NAME. तो ये कर दिया एम्प्लॉई नेम, तो ये टेक्स्ट होगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे एम्प्लॉई का मोबाइल नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर. ठीक है, ये दे दिया हमने, ओके प्रेस करता हूँ. ठीक है, और क्या दे सकते हैं हम यहाँ पे, इसको हटाना होगा, यहाँ लिख देता हूँ NUMBER. ठीक है, अभी ये सही हो गया. अब क्या देंगे, अब दे सकते हैं एम्प्लॉई का एड्रेस, एम्प्लॉई एड्रेस AREESS. ठीक है, एम्प्लॉई एड्रेस दे दिया हमने. अब क्या बचा, एम्प्लॉई का एड्रेस भी दे दिया हमने, एम्प्लॉई की सिटी दे सकते हैं CITY, यानी कुल मिला के कहें कि इसमें सारी एम्प्लॉई की डिटेल पड़ेंगी. तो ये हमने डाल दिया एम्प्लॉई का डिटेल. ठीक है, अब इस डिटेल को हमें क्या करना है, यहाँ से सेव कर लीजिए. डेटा शीट व्यू में जब जाएंगे तो इसको सेव करना होगा, इसको सेव कर सकते हैं आप. बोल्ड कर लीजिए, एक बार बोल्ड पर क्लिक करने पर इसमें सब में बोल्ड हो जाता है. ठीक है, MS Access एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, इसको यहाँ से चौड़ा कर लीजिए एम्प्लॉई. ठीक है, एड्रेस AREESS. ठीक है, सिटी भी हो गया, सब कुछ हो गया. अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय की आईडी दे देंगे. जैसे हम क्या देते हैं एम्प्लॉय की आईडी, ये टू ये दे देते हैं. और एम्प्लॉय का नेम जैसे मान लीजिए रमेश है, RAMESH. ठीक है, रमेश दे दिया हमने. मोबाइल नंबर इसका जो भी हो दे देंगे, यहाँ पे कुछ भी दे देंगे. ठीक है, एम्प्लॉई एड्रेस क्या है, एड्रेस है जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हमने एम्प्लॉय का एड्रेस डाल दिया. ठीक है, सिटी कौन सी है, तो यहाँ डाल देंगे देवरिया, DEORIA. ये N कैपिटल करता हूँ मैं यहाँ पे, C को भी कैपिटल कर देता हूँ. ठीक है, और ये D को भी कैपिटल कर देता हूँ. तो यहाँ पे D को भी कैपिटल कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा. ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे एम्प्लॉय का एड्रेस पड़ेगा या सारा डिटेल पड़ जाएगा. ठीक है, रमेश यहाँ डालते हैं, सुरेश और यहाँ पे इसको डाल देंगे. इसके बाद फिर यहाँ पर इनका एड्रेस डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये जो हैं गोरखपुर के हैं. ठीक है, ये डाल दिया हमने और इसमें गोरखपुर डाल देंगे. बस ये दो ही एम्प्लॉय के एड्रेस रखते हैं, आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं.
अब क्या करेंगे, अब हमको दूसरा टेबल बनाना है, तो क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ टेबल पे क्लिक कर देंगे, तो ये हम दूसरे टेबल में आ गए। अब जब दूसरा टेबल आ जाएगा तो इसको कोरिलेट कैसे कराएंगे, दोनों को कोरिलेट कराना है, ये एम्प्लॉय कोई ना कोई सामान तो बेचता ही होगा, तो देखिए इसमें प्रोडक्ट की आईडी डालेंगे हम, क्या डालेंगे, प्रोडक्ट आईडी। तो सबसे पहले व्यू पे आइए, डिजाइन व्यू पे आइए, और ये टेबल टू दे रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल डाल देते हैं हम, प्रोडक्ट डिटेल प्रेस किया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल प्रोडक्ट आईडी कर देंगे, प्रोडक्ट कैपिटल पी कर देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इसको ऑटो नंबर ही रहने देता हूँ, अगर आप नंबर करते हैं तो यहाँ खुद से नंबर डाल सकते हैं, मैं नंबर ही कर देता हूँ, और प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम डाल देंगे, प्रोडक्ट नेम एन ए एम ई, ठीक है, और यहाँ टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब चूंकि आपको दिखाना है तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इन दोनों टेबल्स को कोरिलेट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम दे देंगे डेट ऑफ सेल, ठीक है, इस डेट ऑफ सेल दे देंगे, और यहाँ पे देखिए एक अलग डेटा टाइप में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम डेटा टाइप क्या लेंगे, डेट एंड टाइम लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमें आना है क्रिएट पर, ठीक है, एक्चुअली क्रिएट पे नहीं आना है, इसको हम आएंगे और यहाँ डेटा शीट व्यू पे आ जाएंगे, इसको सेव करेंगे, अब यहाँ प्रोडक्ट आईडी डालेंगे, जैसे मैं प्रोडक्ट आईडी डाल देता हूँ 9, ठीक है, टैप करता हूँ, प्रोडक्ट का नेम क्या देंगे, इसको थोड़ा चौड़ा बना लेते हैं यहाँ से खींच करके, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ निर्मा वॉशिंग पाउडर, पी ओ डब्ल्यू डी ई आर, ठीक है, निर्मा वॉशिंग पाउडर दे दिया हमने, ठीक है। अब डेट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे जो है डेट डालना है हमें, कौन से डेट पे ये सेल हुई है, तो मैं इसका आज ही का डेट डाल देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर जो है दूसरा हम डाल सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट आईडी इसकी 5 है, ठीक है, और प्रोडक्ट नेम है रिफाइंड ऑयल, आर ई एफ आई एन ई डी रिफाइंड ओ आई एल ऑयल, ठीक है। अब इसकी जो सेलिंग की डेट है, अगर मान लीजिए वो 15 तारीख को बिका हो या 16 में बिका हो, ठीक है, जब भी बिका हो वो डेट यहाँ दे देंगे हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो ही रिकॉर्ड हमें रखने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कहाँ जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाके कहाँ जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, या क्वेरी डिजाइन पे आ गए, इसको ऐड करा दीजिए, ऐड कराने के बाद नीचे आइए, प्रोडक्ट डिटेल को भी ऐड करा दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को कोरिलेट कराना है, ठीक है, कैसे कोरिलेट कराएंगे देखते हैं, एम्प्लॉई आईडी को खींच के लाइए, इसमें डाल दीजिए, ठीक, फिर एम्प्लॉई नेम को खींच के लाइए, इसमें डाल दीजिए, अब प्रोडक्ट आईडी को लाइए, इसमें डाल दीजिए, ठीक, प्रोडक्ट नेम को डाल दीजिए इसमें, ठीक है, डेट ऑफ सेल को डाल दीजिए, अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है एम्प्लॉई नंबर, मोबाइल नंबर एम्प्लॉई का जो है वो बचा हुआ है, फिर इसको डाल दीजिए यहाँ पे, और फिर सिटी डाल दीजिए, बात खत्म, ये हमारा हो गया। अब इसको कोरिलेट कराना है, कोरिलेट कैसे कराएं कि इन दोनों में कनेक्शन हो जाए, ठीक है, वो कैसे कराएंगे, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा एक्सटर्नल, ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ रिलेशनशिप, ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कराना होगा, तो यहाँ से रिलेशनशिप हम करा सकते हैं, जैसे ये है फिर ये है, दोनों को ले लेंगे और रिलेशनशिप इसमें हम बिल्ड करवा देंगे, ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करवाएंगे, तो यहाँ से हम बिल्ड करवा सकते हैं, रिलेशनशिप रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ से, ये इन दोनों को एक साथ रिलेट कराना है, तो अभी हमको ऐसी कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, ये हम किसी अन्य वीडियो में सीखेंगे कि इसको हम कैसे कोरिलेट कराएं, अभी हमें हमारे मेन टॉपिक पे आना है यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट पे चले हम और क्वेरी डिज़ाइन पे आए और इन दोनों को लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं, इसको अगर हम हटा देते हैं या इसको भी हटा देते हैं, रिमूव टेबल, तो यहाँ पे देखिए क्वेरी डिज़ाइन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे कई चीज़ें आती हैं लिख करके, देखिए ये टेबल क्वेरी बोथ, ये दोनों दिया हुआ है, तो इस पर दो बोथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए टेबल क्वेरी बोथ, ठीक है, इस पर भी जाके हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको बंद करता हूँ, अब एक एक करके लेके आता हूँ, फिर से वही काम करते हैं, इसको उठाएंगे यहाँ लेके आएंगे,
फिर एम्प्लॉय का नेम लेके आएंगे, फिर प्रोडक्ट की आईडी लेके आएंगे, फिर प्रोडक्ट का नेम लेके आएंगे, फिर सेलिंग की डेट लेके आएंगे, फिर क्या लेके आएंगे, फिर लेके आएंगे मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर एम्प्लॉय की एड्रेस लेके आएंगे, ठीक है, और फिर सिटी लेके आएंगे, ठीक है। इतना लाने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां बनाइए कोलन का निशान, ठीक है, और कोलन का निशान बनाने के बाद, ठीक है, अब ये कोलन लग गया तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गई आपकी, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें जैसे दो टेबल्स को कोरिलेट कराना है, तो जब इसको हम रन करवाएंगे, ठीक है, इसको रन करवाऊं मैं, रन करवा दिया मैंने, तो देखिए ये दोनों जो है दोनों रिकॉर्ड होकर आए हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा चौड़ा करता हूँ, यहाँ से भी इसको और यहाँ से इसको और यहाँ से, चूंकि ये देखिए ये पूरा पूरा रिकॉर्ड बन करके तैयार है, आप देख सकते हैं इसको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो उसका फायदा आपको मिलेगा, अगर वीडियो बीच में छोड़ दीजिएगा तो फिर ये बातें समझ में नहीं आएंगी आपको, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यहाँ पर मिडिल अलाइन करने के लिए इसको जो है एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से हमको टेबल ग्रिड लाइन चाहिए या नहीं ये भी तय कर सकते हैं, और इसको थोड़ा बोल्ड करके और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में सुविधा हो। तो ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, डेट ऑफ सेल और मोबाइल नंबर, ये सारे रिकॉर्ड एक साथ आ गए हैं, यानी दोनों को हमने एक रिलेशन के थ्रू इसको क्या किया, एक में कर लिया, कंबाइन कर लिया डेटा को, इसको हम कहते हैं कंबाइन करना, समझ में आ रहा है। ये देखिए दोनों डेटा को हमने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि कैसे इसको कंबाइन किया गया है। अगले वीडियो में हम इसको रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं वो हम सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।